हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे। ठीक है, आपको ओपन माइंड रखकर रीडिंग को देखना है कि तो आपको ध्यान नहीं देना है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, लेकिन यस बहुत सारी बातें रेजोनेट कर जाती है। तो ओपन माइंड रखकर रीडिंग को देखो, जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, और यस अगर आप बहुत वेटिंग एनर्जीज में हो, बहुत दिनों से, महीनों से, सालों से, हफ्तों से इंतजार कर रहे हो, तो इस वक्त आपको ज़रूरत है पर्सनल रीडिंग की। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, आप डेफिनेटली स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचते आपके लिए उस वक्त का मैसेज निकल के आता है। ठीक है, गार्ड के यूनिवर्स मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की रात की ट्रू फीलिंग्स बताएं कि इनके लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, इनके लिए क्या कुछ फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए। हमें ट्रू मैसेजेस दें। आपको एकदम ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है और पॉजिटिव होके देखना है। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, क्लियर दिखने चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर रख देते तो क्लियर नहीं दिखते हैं। वाओ, किंग ऑफ पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, दोनों ही बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो आप, राजा और रानी, डेथ। ओके, वाओ, नाइस। यहाँ पे डेथ के यूनिवर्स गाइड करें हमें, बताएं हमें यहाँ पे डेथ क्यों है। ओके, और यहाँ पे बॉटम में है द चैरियट, नाइस, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। ये देख के कि आपके पार्टनर, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, वेट, यस दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, यस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे स्ट्रांगली साइन से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस और कैप्रिकॉन। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी एरिज लियो, सैजिटेरियस भी है। यहाँ पे मैं नंबर बता दूँ, 111 है, यहाँ पे 2 है और 333 है। ठीक है, और यस डेफिनेटली आपको एंजल्स नंबर दिख रहे होंगे, और 4 भी है यहाँ पे, नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे 7 भी है, तो आपके आपके पार्टनर के बर्थडेट्स हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बता देती हूँ, आपके पार्टनर ना आपको कल रात को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। ठीक है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, वो ना इस तरह से मिस करते हैं कि इनको लगता है कि अभी जाके एक्शन लूँ, लेकिन जो कि आपकी इनकी जो भी फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, इनकी फैमिली का बर्डन इनके ऊपर इतना है ना गाइज, ये चाहकर भी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे। ठीक है, दिल से चाहते हैं अभी उठ के जाए, आपके लिए एक्शन ले, लेकिन नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको एक हैप्पी होने वाली बात है कि थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कोई भी थर्ड पार्टी हो, इनकी रोमांटिक हो, घर में अगर मम्मी पापा हो, जो इनको आपके पास आने से रोकते हैं ना, उनको उनके साथ इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे। डेफिनेटली यही थर्ड पार्टी रोमांटिक मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, इस रोमांटिक पार्टनर के साथ रिश्ता ख़त्म करके वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, और इस बारे में सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्या प्लानिंग कर सकता हूँ, ऐसा क्या कर सकता हूँ कि इस मतलब खुद होकर आपके पास जाए, आपको अपने प्यार का कप ऑफर करे। ठीक है, दिल से इनका आपको, मैं आपको बोलूँ, इनका मैसेज कॉल आपको बहुत जल्दी आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, 3 वीक्स या 3 हफ्तों में, 3 वीक्स या 3 मंथ्स में, बहुत जल्दी। और कुछ लकी लोगों के लिए 3 डेज में भी इनका एक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, गॉड को लिटरली प्रे कर रहे हैं, गॉड मुझे माफ़ कर दे कि जो मैंने खुद ही इतनी तकलीफ अपने लिए मांग ली तुझसे, मैंने खुद ये सब कुछ किया है, मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया है, जैसे कि आपको इन्होंने जो भी नहीं बताया, जो भी क्लियरिटी नहीं दी इस रिलेशनशिप के बारे में, जो कि थर्ड पार्टी अचानक से ला के आपके सामने खड़ी कर देती बिना बताए, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया था उस टाइम पर, आपको चीट किया गया था, धोखा दिया गया था, और ऐसा ये सब कुछ है
मतलब जैसे कि अगर आपसे बात करते थे वो उस टाइम पे और वहाँ पे थर्ड पार्टी से भी बात करते थे, यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे, आप इनको इमोशनली मैसेजेस किए जा रहे हो, ये वहाँ पे बिजी है थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने में, उनके साथ हैप्पी रहने में, उनके साथ शादी करने में, एंजॉय करने में, यहाँ पे आप रो रहे हो उनके लिए क्यों मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्यों मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो उनके साथ डांस कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश थे जस्ट जिस वक्त आप रो रहे थे, ठीक है, शायद दिल से खुश ना हो लेकिन लोगों को दिखा रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। ये जो भी करते हैं ना सिर्फ समाज के लिए करते हैं, समाज के सामने अपना स्टैंडर्ड हाई रखने के लिए करते हैं, ये लोगों में मतलब बहुत सारे लोगों में रहने वाले पर्सन हैं, इनको अपने स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है, ठीक है। भले इनको दिल से सेटिस्फेक्शन ना मिले, दिल से खुशी ना मिले, लेकिन ये लोगों के सामने हमेशा हाई रहना चाहते, ऊपर रहना चाहते, ये कभी भी अपनी रिस्पेक्ट गंवाना नहीं चाहते, ये ऐसे पर्सन हैं, ठीक है। हर एक के ऊपर इनको जीत हासिल करनी है, हर एक को मतलब कुछ भी काम हो, ये बचपन से ऐसे पर्सन है ना कि हर एक काम को सक्सेसफुली पास करते हैं, उसमें 100% को सक्सेस मिलती है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक बन चुके हैं, इतने कि इनको ऐसा लगता है कि मैं मतलब मैं और जो मैं बोलूँगा वही राइट और वैसे ही होना चाहिए, किसी और का यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, ये ऐसे पर्सन है। हर एक को मतलब घर में फैमिली भी होना उनको भी अपने अंडर रखने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं, हालाँकि रख नहीं पाते क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर्स उनके जैसे इगोइस्टिक है, मतलब ये अगर 100% इगोइस्टिक है ना तो उनके फैमिली मेम्बर्स 200% इगोइस्टिक है, सबके अंदर ईगो कूट कूट के भरा है, और यस डेफिनेटली ये आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, जो उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी थी उस टाइम पे वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। इस वक्त वर्णन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका लुक उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी ब्यूटी देख के उनको इस तरह से फील हो रहा है कि नहीं आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से ग्लो करो, वो भी उनके बगैर, आप उनके बगैर आगे जाने के बारे में सोचो और वो भी इतना कॉन्फिडेंटली, और जैसे कि आपने ये सब कुछ हासिल किया है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद, ठीक है, ये पोजीशन आपने हासिल की है, बहुत तकलीफ़ झेली है आपने, आपने पेन झेला है, आपने हर एक का फेस देखा है कि आपने आपके साथ कौन कैसे बिहेवियर करता है, उनका माइंड फिर से ये सोचने लगता है कि नहीं आप करो, आप आगे जाओ और मैं आपके पास आ रहा हूँ आपको ऑफर करने के लिए। यहाँ पे देखो आपके ऊपर जीत हासिल करना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़ी ऑफर लेके आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल भी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और वो भी आपको सेम फीलिंग से, जैसे कि आप हमेशा एक दूसरे को मिरर करते हो, तो रात को भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर कर रहे थे, ठीक है। आप भी थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपके पार्टनर उनसे उनको छोड़ने के बारे में, उनसे डिस्टेंस बनाने के बारे में सोच रहे थे लिटरली, ठीक है। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, फीलिंग्स ट्रू है, ठीक है, भूल जाओ पास में उन्होंने जो कुछ भी किया था, इस वक्त का सोचो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कमिटमेंट ऑफर लेके आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि ये रीडिंग आपके पार्टनर की हो सकती है, फीलिंग्स आपके पार्टनर की हो सकती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट हुई मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मुझे पता चले किसकी एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।